हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मेरा आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। तो क्लास 12 की इंटीग्रेशन चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.10 इसकी एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या फिर आई बटन पे आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, और इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के लास्ट क्वेश्चन 9, 10 जो भी होंगे कंप्लीट करा दिए जाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए शुरू कर देंगे बेटा। विद ह्यूज वेलकम इन आशुतोष आईक्यू स्टडी एंड दिस इज योर टीचर आशुतोष। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.10 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है 0 से पाई बाई 2 आपकी लिमिट साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। मैंने कहा था अगर आपको साइन एक्स दिया गया हो और कॉस स्क्वायर एक्स भी दिया गया हो, तो अगर साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स आपको दिया गया है तो आप किसको सपोज करेंगे? कॉस एक्स को सपोज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि साइन एक्स ऊपर है नॉमिनेटर में, तो हमें साइन एक्स के साथ डी एक्स दिख रहा है, तो साइन एक्स डी एक्स कब आएगा? जब हमें कॉस एक्स को टी सपोज करना हो। तो जैसे हम कॉस एक्स को टी सपोज करेंगे देन हमें क्या मिलेगा? साइन एक्स डी एक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जल्दी से सपोज कर लेते हैं किसको, कॉस एक्स को सपोज कर लेते हैं टी। तो कॉस एक्स का हो जाता है माइनस साइन एक्स, और यहाँ से मैंने डी एक्स को डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो साइन एक्स डी एक्स की प्लेस पे डी टी। तुम कह सकते हैं कि अगर यहाँ से साइन एक्स से डी एक्स हो तो ये माइनस कहाँ जाएगा? ये माइनस आपका डी टी के पास जाएगा, इसका मतलब माइनस डी टी हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस डी टी, और नीचे आपका हो जाएगा वन प्लस, और कॉस एक्स को सपोज किया गया टी, तो कॉस स्क्वायर एक्स है तो टी स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। अब लिमिट की बात आती है, सबसे पहले हायर लिमिट पर चेक करते हैं, ठीक है बेटा। When x equals to pi by 2, हायर लिमिट देखिए क्या है, pi by 2 ही तो है। तो अगर pi by 2 पे हम चेक करेंगे तो t की वैल्यू क्या आएगी? बस इसी फंक्शन में आपको x के प्लेस पे वही वैल्यू रखनी है pi by 2, तो क्या हो जाएगा? cos pi by 2, cos 90 डिग्री की वैल्यू आपको पता है 0 होती है, ठीक है। इसी प्रकार से हम चेक कर सकते हैं लोअर लिमिट पे x equals to 0 होगा तो t की वैल्यू क्या होगी? देखिए यहीं पर 0 रखना है, तो cos 0 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है? 1, ठीक है। दोनों वैल्यू 0 से पाई बाई 2 पर हमारी लिमिट आ गई है 1 से 0, तो यहाँ राइट करेंगे 1 से 0। जब आप t सपोज करेंगे और dt वाला और t वाला फंक्शन आएगा, ठीक है। यही तो बताया गया था सारे क्वेश्चन में, 1-4 क्वेश्चन ये तो आपके चले थे पिछले वीडियो में। चलिए अब आगे चलते हैं बेटा। आपको पता है नीचे आपको कौन सा फॉर्मेट हो रहा है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। माइनस तो आ जाएगा बाहर, जैसे देखिए माइनस है ना, तो ये माइनस उधर गया क्योंकि साइन एक्स डी एक्स की जरूरत थी हमें। तो इस माइनस को अगर हम बाहर कर लें देखिए इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ टेन इनवर्स एक्स। तो माइनस आगे रखिए, अंदर में कर दीजिए टेन इनवर्स, और एक्स नहीं है क्या है, टी है, ठीक। 1 से 0 आपकी लिमिट होगी, बात समझ में आएगी नहीं? देखिए 1 से 0, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ऊपर देखिए क्या है, ऊपर 0 हो गया है, तो इस माइनस को पहले हम अंदर कर दें तो चेंज हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले हम लिमिट रखते हैं, ठीक है। टेन इनवर्स टी, टी के प्लेस पर क्या आएगा? 0। फिर माइनस लोअर लिमिट क्या? 1, ठीक है। तो 1 आएगा अगेन। अब हम क्या कर देंगे, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और 1 किसकी वैल्यू होती है? टेन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, क्लियर है। फिर ये वाला माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स ये वाला, टेन 0 राइट करेंगे तो ये तो खत्म, पूरा का पूरा गायब हो जाएगा, 0 बचेगा और ये भी खत्म। तो आंसर क्या बचेगा? पाई बाई 4। समझ में आया? दिस इज योर फाइनली आंसर। प्लीज मेक ए नोट इमीडिएटली एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हम ले रहे हैं, 5 आपकी समझ में आ गया हो तो अच्छे तरीके से आप इसे राइट कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। 0 से 2 बेटा डी एक्स अपॉन में है x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर,
इसमें क्या दिख रहा है, इसमें सबसे पहली चीज मैंने बताया था कि अगर आपका एक्स स्क्वायर मीन्स आपका जो वेरिएबल होता है पॉलिनोमियल में, जो मेन आपका वेरिएबल एक्स होता है, अगर उसकी डायमेंशन जो कि 2, 3, 4, 5, 6 होती है, तो आप क्या करते हैं, आप जो उसमें माइनस देखते हैं उस माइनस को सबसे पहले करते हैं कॉमन। समझ में आया, जब एक्स स्क्वायर आपका माइनस में हो करते हैं फिर कॉमन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले 0 से 2 है, देखिए मैं यहाँ पर चेंज करूँगा माइनस कॉमन लेकर के, तो अंदर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर था तो ये प्लस में, बाकी दोनों पॉजिटिव हैं दोनों निगेटिव हो जाएंगे। बात समझ में आई, ठीक है। ये देखिए दोनों क्या थे, दोनों आपके पॉजिटिव थे ना, तो दोनों क्या हो गए, दोनों हो गए निगेटिव। अब क्या करेंगे, अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर है, तो हम इसमें कौन सा रूल लगाएंगे, होल स्क्वायर वाला। होल स्क्वायर वाला रूल क्या था आपका, देखिए मैंने बताया था यहाँ पर, इसको आप राइट कर ले जल्दी से, तो मैंने बताया था आप एक्स स्क्वायर को कंपेयर करेंगे बेटा ए स्क्वायर से, ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ए इक्वल्स टू एक्स बताया गया था ना। उसके बाद देन तुरंत आप टू ए वी की कंपेयर करेंगे किससे, एक्स वाले वेरिएबल से। तो यहाँ एक्स वाला वेरिएबल क्या है, देखिए एक्स ही है, इसका मतलब ये हो गया कि 2 into a के प्लेस पे x आया है, x राइट करेंगे, b की हमें वैल्यू चाहिए, और b की वैल्यू ऐसी कुछ लानी है जिससे केवल x बचे। तो यहाँ देखिए 2 है ना, यहाँ पे x है, तो x बचे ना चाहिए केवल, और 2 को हटाना है, तो b की प्लेस पे क्या राइट करेंगे, आप समझ गए ना, 1/2, क्योंकि 1/2 आएगा तभी, तो 2 से 2 कैंसिल होगा और x बचेगा जो कि हमें चाहिए, यही तो चाहिए। मैंने बताया था सबसे आसान चीज़ यही होती है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करके देन टू ए बी को कंपेयर करिए, जो 2ab हो उसी से आपको बी की वैल्यू का अंदाजा लग जाता है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई है 1/2, इसी वैल्यू को आप का स्क्वायर, इसी का स्क्वायर मीन्स 0 से 2 dx और माइनस 1 ये आपका आगे है, और इसी का स्क्वायर ऐड करेंगे मीन्स 1/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, -4, ठीक बेटा। चलिए अब क्या करेंगे, जल्दी से देखते हैं 0 से 2 क्या होगा। पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा एक काम कर लें, ए स्क्वायर -2ab तो +b² क्या होगा, ए स्क्वायर -2ab +b² इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है -1/2 जो कि हो जाएगा -1/4 और ये है -4। समझ में आई बात, 0 से 2 और अंदर हो जाएगा। अब ये देखिए 4 4 जा होगा 16, ध्यान से 4 4 जा 16 और -1 -16 -17 होगा। क्या राइट करेंगे, एक्स -1/2 का होल स्क्वायर माइनस √17 हम कर ले रहे हैं, ठीक है, और अपॉन में देखिए ये 4 है ना, इसको राइट करते हैं 2। ऐसा क्यों, क्योंकि हम करने जा रहे हैं होल स्क्वायर इस तरीके से, तो √17 का होल स्क्वायर √17 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, तो 17/4 आ गया बस। अब अगली चीज ध्यान से, एक चीज़ और करना है, मेरा माइनस अभी बचा है, इस माइनस को अंदर मल्टी साला, तो हो जाएगा आपका dx अपॉन ये बेटा, जैसे अंदर जाएगा कितना हो जाएगा, जो माइनस वाला पहले आ जाएगा मीन्स √17/2 का होल स्क्वायर पहले, और ये वाला फंक्शन माइनस में चला जाएगा। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अब आपका कौन सा फॉर्मूला होगा, 1/a² - x², दैट इज द फॉर्मूला ऑफ किसका, 1/2a log a + x / a - x। तो इतना तो गैप हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, चलिए इसको आपने तो अराइव कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम करते हैं रफ, ठीक है बेटा। चलिए क्या देखेंगे यहाँ से, सबसे पहली चीज देखिए, x के साथ जो वेरिएबल है इसको हम क्या कर सकते हैं, सपोज, ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं पहले सपोज, चलिए यहाँ देख लेते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, लेट x -1/2 = t, तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, x का 1 और इसका बेटा 0 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आई बात ना, d/dx x का 1 होगा और -1/2 का 0, इसका मतलब हमें कुल मिला के dx की जो वैल्यू होगी वो मिलेगी -dt। बात समझ में आई, ये देखिए सॉरी dt मिलेगी बेटा, क्योंकि -0 है इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक। अब हम वैल्यू को चेक करेंगे, पहले हायर लिमिट, हायर लिमिट क्या है फंक्शन में, देखिए 2 है,
तो सबसे पहले x इक्वल्स टू टू जब आपकी लिमिट होगी हायर लिमिट तो t की वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है। तो t की वैल्यू क्या होगी, टू माइनस वन बाई टू, टू टू जा फोर, फोर माइनस वन कितना हो जाएगा थ्री, इसका मतलब t की वैल्यू आ जाएगी थ्री बाई टू, और मैं फोर फोर टू टू जा फोर माइनस वन अपॉन टू थ्री बाई टू हो जाएगा। ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं, दूसरी वाली है जीरो, तो जीरो पे चेक करेंगे t की वैल्यू जीरो माइनस वन बाई टू, मीन्स t की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन बाई टू, बात तो समझ में आ गई होगी। तो t की वैल्यू माइनस वन बाई टू से थ्री बाई टू गई है, ठीक है। इसको हम कहाँ राइट करेंगे, इसको आप ऊपर देखिएगा, ठीक ऊपर साइड में, तो क्या राइट करेंगे हम, जीरो वन बाई टू से क्या थ्री बाई टू लिमिट हो गई आपकी, और ऊपर हो गया dx के प्लेस पे dt अपॉन में जो जैसा था अंडर रूट सेवनटीन अपॉन टू का होल स्क्वायर माइनस, इसको सपोज किया गया है t, तो हो जाएगा t स्क्वायर। अब आप समझ में आ गया होगा कि वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर हो गया है, तो अब इसका क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू ए, ए मीन्स अंडर रूट सेवनटीन अपॉन टू इंटू लॉग ऑफ, समझ सकते हैं क्या हो जाएगा, ए प्लस एक्स मीन्स क्या हो जाएगा अंडर रूट सेवनटीन प्लस टी, और अपॉन में ए माइनस एक्स मीन्स अंडर रूट सेवनटीन बाई टू माइनस टी, क्लियर है, बात तो समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे, सीधा आगे चल के मल्टीप्लाई करते हैं, ये टू जब ऊपर जाए चाहे चाहे नीचे ही रहे, टू से टू कैंसिल, वन अपॉन अंडर रूट सेवनटीन बाहर बचेगा, अंदर आपको बेटर थोड़ा सा डायरेक्ट देखेंगे टी की वैल्यू को, यहाँ पर चाहे राइट करिए, एक चीज़ मैं भूल चुका हूँ, यहाँ पर ये देखिए लिमिट वन बाई टू से थ्री बाई टू, अब जल्दी से लिमिट रखते हैं, ठीक है, चलिए लिमिट रखते हैं, सबसे पहले क्या हो जाएगा, जानते हैं ना टी के प्लेस में क्या आ जाएगा, थ्री बाई टू हायर लिमिट, तो ऊपर भी थ्री बाई टू नीचे भी थ्री बाई टू करेंगे, ठीक है, और ये अंडर रूट सेवनटीन अपॉन टू है, हायर लिमिट हो गई माइनस लॉग फिर लोअर लिमिट, तो अंडर रूट सेवनटीन बाई टू और क्या भाई, अब इसके प्लेस पे लोअर लिमिट वन बाई टू रखेंगे, तो वन बाई टू फिर अपॉन में, जहाँ जहाँ बेटा फंक्शन है टी उसी के प्लेस पे रखना है, यहाँ पर माइनस है माइनस के साथ ब्रेकेट कर लेंगे क्लोज, बस समझ में आ गई बात ना, केवल टी के प्लेस पे हायर लिमिट फिर टोटल का माइनस लोअर लिमिट, थोड़ा हम अलग तरीके से वैल्यू लिया लिमिट को रखते हैं, तो ध्यान दिए रहिएगा, ठीक है, ये सबसे ईजी वे बेटा होता है, ठीक, वन अपॉन अंडर रूट सेवनटीन, ध्यान दीजिएगा ऊपर यहाँ पर अब टोटल का एलसीएम एलसीएम इक्वल है, देखिए टू टू, और यहाँ पर भी दोनों का टू, ये दोनों इक्वल एलसीएम है, तो ऊपर का ऊपर ऐड हो जाएगा नीचे का नीचे, अंडर रूट सेवनटीन प्लस थ्री हो जाएगा ऊपर और नीचे, बेटा एक सेम मिस्टेक तो नहीं हो रही है, देखिए एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर था, हाँ ठीक है ठीक ठीक, अंडर रूट सेवनटीन प्लस थ्री नीचे क्या हो जाएगा अंडर रूट सेवनटीन माइनस थ्री, अब आप पूछेंगे टू कहाँ गया, तो बेटा इनका टू और इनका टू दोनों आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, बिकॉज अंडर रूट सेवनटीन प्लस थ्री अपॉन टू अंडर रूट सेवनटीन माइनस थ्री अपॉन टू, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, नीचे दोनों का डिनोमिनेटर सेम मैंने बताया था कैंसिल हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक, तो बेटा क्या बचा है आपका लॉग ऑफ अंडर रूट सेवनटीन प्लस थ्री और नीचे अंडर रूट सेवनटीन माइनस थ्री क्योंकि माइनस है, फिर अगेन आप क्या बचेगा यहाँ पे माइनस लॉग, इसमें अंडर रूट सेवनटीन प्लस वन और नीचे बचेगा अंडर रूट सेवनटीन माइनस वन, बात समझ में आई, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, क्लियर है, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, चलिए देखते हैं, वन अपॉन अंडर रूट सेवनटीन बाहर है ही, अंदर क्या हो जाएगा बेटा, देखिए ये हम कर सकते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी वाले रूल से, ठीक है, तो टोटल का लॉग ए अपॉन लॉग बी करेंगे, लेकिन एक चीज़ और है, यहाँ पर बेटा आपका थ्री है और ऊपर भी ऐसे ही है, दोनों ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी का फॉर्मेट है, देखिए ऊपर अंडर रूट सेवनटीन प्लस थ्री नीचे अंडर रूट सेवनटीन माइनस, बेटा फोर से फोर हो गया कैंसिल, बचा आपका फाइव प्लस अंडर रूट सेवनटीन अपॉन फाइव माइनस अंडर रूट सेवनटीन, क्या देख रहे हैं ऊपर नीचे फिर वही चीज़ करेंगे ना, फाइव प्लस अंडर रूट सेवनटीन से रैशनलाइज, फाइव प्लस अंडर रूट सेवनटीन से रैशनलाइज, क्योंकि देखिए माइनस है, दोनों ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी है, तो ए प्लस बी से करते हैं रैशनलाइज, ठीक है, वन अपॉन अंडर रूट सेवनटीन बचा है ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, समझ में आ रहा, थोड़ा सा डायरेक्ट, ठीक है, थोड़ा आप जल्दी कर रहे हैं, कर लीजिएगा, फाइव स्क्वायर ट्वेंटी फाइव हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बात तो समझ में आएगी, ऊपर का सी मल्टीप्लाई हुआ है, क्या आता है, चलिए नेक्स्ट टाइम में आंसर देखते हैं, लॉग इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, बेटा फोर्टी टू प्लस टेन अंडर रूट सेवनटीन आएगा अपॉन में, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे कितना आएगा, एट आएगा बेटा यहाँ पर, चलिए वन अपॉन अंडर रूट सेवनटीन और लॉग चल ही रहा है, इन दोनों में टू कॉमन लेंगे, नहीं फोर या फोर नहीं टू ही कॉमन होगा, बिकॉज यहाँ टू फाइव या टेन है, ठीक है, तो टू कॉमन लेंगे क्या बचेगा, सीधा टू कॉमन लेकर के इसको कैंसिल करेंगे कितना आएगा,
चलिए एक लाइन देख लेते हैं, वन अपॉन अंडर रूट 17 बेटा 2 होगा कॉमन, तो आपका क्या बचेगा, 2 2 4 2 1 21 ये कैंसिल होगा, प्लस 2 5 10 अंडर रूट 17 अपॉन 8, क्लियर है, कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2 4 8 बेटा, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 17 लॉग ऑफ 2 4 8 हुआ बेटा, कैंसिल हुआ 21 प्लस, क्योंकि इसको कैंसिल करेंगे 2 2 4 2 1 22 2 5 10 log of 21 plus 5 under root 17 upon 4, because I have no space, so you can write it immediately, 1 upon under root 17 log of 21 plus 5 under root 17 upon 4, ये बेटा आपका हो जाएगा आंसर, जल्दी से immediately इसको write कर ले, take the next question immediately, question number 7 आपका देखते हैं क्या है, सेवन तो बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप कर चुके हैं होल स्क्वायर की मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है, नीचे आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है, तो आप क्या कर सकते हैं, 2x है इसका मतलब 2ab आपके पास है, तो अगर 2ab आपके पास है, 5 को हम क्या कर सकते हैं 1 प्लस 4 के अकॉर्डिंग राइट कर सकते हैं, ताकि हमें 4 मिल जाए, 2 का स्क्वायर राइट करके प्लस बी का होल स्क्वायर बना ले, चलिए देखते हैं जल्दी से क्या है, लिमिट है बेटा माइनस 1 से प्लस 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, मैंने क्या कहा था 5 मैंने क्या कहा था 5 को 1 प्लस 4 के अकॉर्डिंग राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से 4 प्लस 1 5 ही होगा आपका, क्योंकि मैंने यहां पर कुछ किया है, क्या किया है, इन तीनों को मिला करके हमारा बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, चलिए देखते हैं किस तरीके से, प्लस 2ab, समझ रहे हैं 2a इस तरीके से राइट करें, और 4 को बेटा राइट कर सकते हैं 2 का स्क्वायर इस तरीके से, क्योंकि 2 का इस 4 को मैंने बाहर किया है 2 के स्क्वायर की फॉर्मेट में, ठीक है, अब चलते हुए आएंगे माइनस 1 से प्लस 1 dx अपॉन क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्लियर है, और क्या बचा प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आई बात, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का ये था, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बना प्लस 2 का स्क्वायर एज इट इज मैंने राइट कर लिया, और जो बेटा मैंने बताया था कि इस फॉर्मेट में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले x x के साथ कोई भी वेरिएबल है तो उसको हम t सपोज करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं x प्लस 1 को t, ठीक है, देन इसका डिफरेंशियल करेंगे तो x का तो 1 होगा और 1 का 0, dt by dx हमारा मिल गया, तो आप समझ सकते हैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा dx के प्लेस पे dt, अब बात रही लिमिट की, तो लिमिट आप जानते हैं 1 से माइनस 1 है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे हायर लिमिट पहले रखेंगे, तो हायर लिमिट आपकी 1 है, when x equals to 1 then t equals to क्या हो जाएगा, वही x के प्लेस पे 1 राइट करेंगे क्या हो जाएगा वो 1 plus 1 equals to 2, तो इसका मतलब x के प्लेस पे 1 राइट करने पर हायर लिमिट आपकी जो कि t के प्लेस पे 2 आ गई है, ऐसे ही आप राइट कर लीजिए नेक्स्ट वाली माइनस 1 है तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे माइनस 1 रखिए, माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, इसका मतलब 0 से 2, क्लियर है, 0 से 2 आपका आया है, तो यहाँ पर क्या राइट करेंगे 0 से 2 और dx के प्लेस पे आया है dt और इसके प्लेस पे है t, तो t का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अब आप समझ गए होंगे 1 अपॉन x स्क्वायर बस a स्क्वायर का क्या होता था 1 अपॉन a tan inverse x अपॉन a, तो a के प्लेस पे 2 है तो 2 हो गया 1 अपॉन a, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका a ही तो है, अगर इसको हम x सपोज कर लें तो x के प्लेस पे t है और a के प्लेस पे 2 है इंटू tan inverse x अपॉन a, x मतलब t है अपॉन a का मतलब 2 हो गया, क्लियर है, लिमिट आपकी 0 से 2 चल ही रही थी, कुछ नहीं करना है बेटा, केवल अब आपको यहाँ पर राइट करनी है हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हायर लिमिट आपकी क्या है 2, तो 2 बाई 2 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट क्या है 0 है तो 0 बाई 2 कर लेंगे, बस इतना था, ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट लाइन चलते हैं क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा tan इनवर्स 1 बचेगा, माइनस यहाँ 0 बाई समथिंग कुछ भी 0 ही होता है, ब्रैकेट क्लोज 1 बाई 2 बचा, और नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर tan इनवर्स 1 कौन सी वैल्यू होती है tan पाई बाई 4 माइनस टेन इनवर्स tan 0 की वैल्यू तो tan 0 होती है 0 होती है, तो यहाँ पर ए राइट करेंगे tan इनवर्स से tan, यहाँ दोनों में कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 4 बचेगा, बाहर 1 बाई 2 चल ही रहा है, यहाँ पर क्या बचेगा बेटा 0, देखिए केवल 0 ही तो बचेगा, पाई बाई 4 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 4 टू जाए 8, ऊपर पाई नीचे 8, नीचे 8, दिस इज योर फाइनल आंसर, कुछ था कुछ भी नहीं था, बहुत ही आसान क्वेश्चन, हम अगर चाहते होल स्क्वायर के फॉर्मेट से अप्लाई कर सकते थे, क्या होता यहाँ पर आपको 2ab भी मिल रहा है, a मिल रहा है, b की वैल्यू को आप यहाँ पर फाइंड आउट करके भी b का स्क्वायर ऐड करते, b का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते, थोड़ा सा लॉन्ग चला जाता, लेकिन जब हमारे यहाँ 5 यहाँ पर दिया हुआ है तो 4 प्लस 1 राइट करके हमने पेयर बना लिया बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया प्लस 2, ये जो 4 था इसको मैंने बाहर किया 2 के स्क्वायर के फॉर्मेट में, बिकॉज 2 का स्क्वायर आपका 4 होता ही है,
ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, जल्दी से आप इसे राइट कर लेते हैं। टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक इट नोट, टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपका, जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा आपका बहुत ही आसान है, लेकिन उसके लिए हम आपको सबसे पहले एक थ्योरम याद दिलाते हैं, ठीक है। थ्योरम आपकी एक थी जो कि एक्सरसाइज 7.8 में अप्लाई हुई थी, लेकिन हो सकता है 7.8 आपका रिमूव हो चुका है ना, 7.8 आपका रिमूव हो चुका है, तो अब क्या करेंगे, 7.8 से भी है, 7.9 में भी आपकी ये थ्योरम थी, ठीक है। तो इसके पहले भी आप ऐसे कई एक्सरसाइज सॉल्व किए हैं जिसमें ये थ्योरम हमारी काम आई, जो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लिमिट है 1 से 2, 1/x माइनस 1/2x2 e की पावर 2x dx। सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये दिख रही है कि 2x है, 2x है, x है, मतलब 2x है, फिर 2x है, x, इसका मतलब 2x को अगर सपोज करेंगे तो x हमें मिलेगा। चलिए देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट आप वही चीज़ सपोज करें जो आपको ज़्यादातर वहाँ पे दिखे बेटा, ठीक है। तो ज़्यादातर यहाँ पे हमें 2x दिख रहा है, तो इसको हम t सपोज करेंगे, इसका हम करेंगे डिफरेंशियल, x का तो 1 होता है, तो dt/dx के प्लेस पे हमें वैल्यू क्या मिली है, केवल 2। तो हमें केवल dx की वैल्यू चाहिए, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, dt/2 dx के प्लेस पे इस वैल्यू को और 2x के प्लेस पे t। तो 1 से 2 लिमिट चल रही है, 1/x माइनस 1/, यहां पर देखिए बेटा 2x² है, तो इसको क्या हम इस तरीके से राइट कर सकते हैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि 2x है ना, तो इसके प्लेस पे t राइट करना पड़ेगा, x * x x² हो जाएगा, बात समझ में आ गई होगी, e की पावर 2x, इसको भी एज इट इज राइट कर जाएंगे। ये अब सारी चीजें हम, इसे थोड़ा मैंने ढंग से किया है, ठीक है, ढंग से लिखा है केवल, पर क्वेश्चन आपका सेम ही है, क्वेश्चन आपका सेम था बेटा, ठीक है। तो 1/x, अगर मैं पूछूं यहां से x के प्लेस पे क्या आएगा, तो आप क्या कहेंगे, x के प्लेस पे 2 चला जाएगा इसके नीचे, तो हो जाएगा t/2 या t/2, समझ में आया, x के प्लेस पे t/2, क्योंकि 2 नीचे चला जाएगा t के, तो क्या आएगा t/2, क्लियर है, इसको इस तरीके से राइट करते हैं, माइनस 1/2x, केवल 2x के प्लेस पे हम राइट करेंगे t, और मल्टीप्लाई x है, x के प्लेस पे t/2, ये हो गया t/2, किसके प्लेस पे, x के प्लेस पे, ब्रैकेट क्लोज, dt, dx के प्लेस पे dt और by 2, ये भी हो गया, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, 1 से 2 लिमिट चल ही रही है, तो 1 से 2 लिमिट आपकी, और ये पलटेगा a/b/c, मैंने बताया था जो c होता है वो ऊपर जाता है, तो 2/t हो जाएगा, माइनस ऐसे इसमें भी कर लेंगे, 2 ऊपर जाएगा, तो 2/t × t, t की पावर 1, 1, 2 हो जाएगा, t की पावर 2, और dt/2 में से इस 2 को हम बाहर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये डिजिट है, और बचेगा dt, बस अभी से सॉल्व कर लेना, समझ में आएगा बात। लेकिन एक चीज़ बेटा मैंने यहाँ नहीं राइट की है, जो कि e की पावर 2x था, तो 2x मतलब t × dt/2, समझ में आई बात, t/2 मैंने क्यों किया, क्योंकि dx था, dx के प्लेस पे t/2। अब यहाँ पे राइट करते हैं, 1/2 बाहर चल ही रहा है, बारी बारी से फंक्शन को अलग करते हैं, 2 दोनों में कॉमन है ऊपर, 2 को बाहर करते हैं, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से 2 लिमिट चल रही है, बचे आपका केवल और केवल 1/t। अच्छा एक चीज़ और, अभी हमें हायर लिमिट और लोअर लिमिट पर t की वैल्यू फाइंड आउट करना, चलिए वो भी लिख कर लेते हैं, वैन x इक्वल्स टू पहली हायर लिमिट 2, देन t = इसी फंक्शन में रखिए x के प्लेस पे 2, तो 2 × 2 हो जाएगा, 2x है, तो 2 × 2 = 4, t के प्लेस पे 4। नाउ लोअर लिमिट 1 है, तो x के प्लेस पे 1, तो t की वैल्यू यहाँ पर 2 × 1, तो t की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, तो 2 से 4 जब t लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 से 4, लिमिट क्या हो जाएगी बेटा, 2 से 4। अब 1/t माइनस 1/t² बचा है, और साथ में e की पावर t dt है, बात समझ में आया। अब बेटा हम ये चीज़ देख रहे हैं कि ये आपका एक फॉर्मेट बन रहा है थ्योरम का, कौन सी थ्योरम होती है, यहाँ पर देखिए आपको दिया रहता था e की पावर x और कोई फंक्शन f(x), ठीक है, और प्लस इसी फंक्शन का डिफरेंशियल f(x), और इसको आप करते थे इंटीग्रेट, ठीक है, इंटीग्रल का साइन देख रहे हैं, तो आपको मिलता क्या था, e की पावर x फंक्शन f(x) मिलता था, प्लस c और कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो यही थ्योरम इसमें अप्लाई करिए ना, देखिए 1/t है, तो अगर सोचिए कि हम 1/t को कुछ सपोज कर लें, सपोज दैट हम सपोज कर लें इसको f(x), ठीक है,
तो एफ एक्स को 1/t सपोज कर लें, तो आपसे पूछे एफ डैश एक्स मीन्स इसका एफ डैश किसको बोलते हैं, इसका डिफरेंशियल करते हैं तो वही एफ डैश एक्स होता है और एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो टी के रिस्पेक्ट में जैसे इसका डिफरेंशियल करेंगे क्या होगा, 1/t² होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप कर सकते हैं कभी किस तरीके से बेटा, डी बाई डी टी और 1/tc का करना है ना, तो टी की पावर ऊपर जाए तो ये ऊपर जाएगा, इसकी पावर -1 हो जाएगी, तो टी की पावर -1 का करेंगे क्या होगा, एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है, तो यहाँ -1 -1 -2 हो जाएगा, और -1 का मल्टीप्लाई टी स्क्वायर से, तो -1/t² को नीचे करेंगे क्या हो जाएगा, टी की पावर 2, क्योंकि ऊपर था तो माइनस में था नीचे आया प्लस, बात समझ में आ गई कि -1/t² इसी टी की पावर -1 का डिफरेंशियल होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए सेम एज है तो यहाँ पर एफ एक्स आना चाहिए, तो इसका मतलब एफ एक्स के प्लेस पे ब्रेकेट में आएगा क्या, सो आप राइट करेंगे बाई द थ्योरम और इस थ्योरम को आप इसमें राइट करेंगे, देन आप नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, बिना इसको राइट किए नहीं आना, वरना नंबर कैंसिल आपका एग्जाम में, एग्जाम में, ठीक है, 2 से 2 बेटा कैंसिल हो जाएगा। देखिए e की पावर x जैसे e की पावर t और एफ एक्स, ये है आपका एफ ऑफ x, ठीक है, तो क्या राइट करेंगे 1/t ब्रेकेट क्लोज, या इस तरीके से राइट करें थोड़ा, ठीक है, लिमिट रखने की बारी आई है, लिमिट रखते चले जाएंगे, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, पहले e की पावर t मीन्स हायर लिमिट 4 है, 4 राइट करेंगे अपॉन t, 4 हायर लिमिट दोनों में, ठीक है, दोनों के प्लेस पे केवल t की प्लेस पे 4 राइट करना हायर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है 2, तो 2 और अपॉन में भी 2, क्योंकि e की पावर t अपॉन t है, तो जहाँ जहाँ t वहाँ वहाँ लिमिट रहेगी, बस खत्म। अब 4 और 2 का एलसीएम 4 होता है, तो यहाँ किससे राइट करेंगे 2 से, बिकॉज 2 2 4, यहाँ 4 ऑलरेडी है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, जल्दी से करिए, e की पावर 4 माइनस 2 2e² अपॉन टोटल कैल्सियम 4 हुआ था, इन दोनों में e की पावर 2 सबसे स्मॉलेस्ट है, उसको कर लेंगे कॉमन, ये तो बाहर ही आ गया है, बचा 2 अपॉन में e की पावर 4, दिस इज योर फाइनली आंसर, इफ यू अंडरस्टैंड इट करेक्टली एंड स्मूथली देन प्लीज मेक ए नोट एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 अगर समझ में आ गया हो जल्दी से कर लें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं जो चीज़ आपकी समझ में ना आई हो। बेटा क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 9 है, आसान बस थोड़ा सा टिफिकल है, एक तो यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू रख के आप आंसर ला सकते हैं, दूसरा आप एल्जेब्रिक फंक्शन में ही उसको कन्वर्ट करके आंसर ला सकते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे x के प्लेस पे साइन थीटा सपोज करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, बिकॉज अगर x के प्लेस पे साइन थीटा सपोज करते हैं किसी भी फंक्शन में, अगर आपका वहाँ पर x हो या y हो, केवल एक फंक्शन हो ऊपर और नीचे, उसकी पावर जितनी भी हो, आंसर हमारा बहुत स्मूथली आ जाता है। लेकिन दूसरी ट्रिक ये भी होती है कि आप उसको अगर एल्जेब्रिक फंक्शन में ही दिया गया, तो एल्जेब्रिक फंक्शन में कैसे भी करके आप वहाँ पे सेंस लगा करके उसकी पावर को गुणा मीन्स मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आप आंसर ला सकते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरीके से। आपका क्वेश्चन है, लिमिट है 1/3 से बेटा 1, ऊपर है x माइनस एक्स क्यूब, नीचे है x की पावर 4 और 1/3 dx, क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने बताया ना ऊपर x हो नीचे x हो, ऊपर y हो नीचे y हो, दोनों चीज़, तो यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों x, क्या करेंगे x की पावर को कॉमन लेंगे, सबसे पहली चीज़ जो बाहर होता है उसी की पावर को कॉमन लेते हैं, x की पावर 1/3 है और यहाँ 3 है, तो अगर हम x की पावर 3 को कॉमन लें, ध्यान से सुनिएगा, x की पावर 3 को कॉमन लें तो अंदर डिवाइड हो जाएगा सबसे, और साथ ही साथ जो उसकी होल पावर होती है वो भी साथ निकलती है, किस तरीके से, जैसे आपको दिया गया हो x स्क्वायर का, यहाँ पर ये इस तरीके से बेटा x माइनस एक्स स्क्वायर और इसकी टोटल पावर आपकी हो जाए 1/2, तो इसमें पहले x स्क्वायर जब कॉमन लेंगे आप तो बचेगा 1/x, ये साथ में लेके निकलेगा, मीन्स स्क्वायर के साथ 1/2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 से 2 कैंसिल, x बचेगा और 1/x² यहाँ पूरा का पूरा कैंसिल, क्योंकि x² / x² 1 होगा, सेम यही चीज़ यहाँ पर है, केवल यहाँ स्क्वायर है यहाँ क्यूब है बस, तो आप समझ सकते हैं क्या राइट करेंगे 1/3, तो 1/3 राइट करेंगे, सेम वही फॉर्मेट समझते हुए चलिएगा, 1/3 से 1 है बेटा, अंदर में क्या बचेगा सोच लीजिए क्या, x/x³, क्योंकि x³ ही तो कॉमन था, देखिए 1/x² किया था मैंने जब x² के साथ कॉमन हुआ, माइनस यहाँ पर तो टोटल का क्यूब हो जाएगा, पावर में 1/3 dx चल ही रहा है, नीचे x की पावर 4 चल रहा है, अब क्या करेंगे लिमिट 1/3 से 1, देखिए बेटा 3 से 3 कैंसिल, देखिए 2 से 2 कैंसिल हुआ था ना, क्योंकि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई अप एंड डाउन में है,
एक्स बचा और केवल यहाँ पर एक पावर इसमें से भी कैंसिल, तो केवल दो पावर नीचे बची है, ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, तो वन और इसकी टोटल पावर वन बाई थ्री। नीचे x की पावर 4 को हम राइट करेंगे x की पावर 3 इंटू एक्स, समझ आया कि नहीं, क्योंकि 3 1 4 हो जाएगा, एक x से एक x कैंसिल करने के लिए हमने ऐसा किया। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या बचा है, क्या बचा है, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचा है, नीचे x की पावर 3 बचा है, इसकी पावर 1 बाई 3 राइट करेंगे इसे बेटा, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टोटल को टी सपोज करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब लास्ट है ये, इसके बाद सीधा आपको लिमिट देखनी है। तो जैसे ये टी सपोज करेंगे तो 1 बाई एक्स स्क्वायर को हम क्या राइट करते हैं, x की पावर माइनस 2, तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या राइट कर सकते हैं, t इक्वल्स टू x की पावर माइनस 2 माइनस 1 कुछ इस तरीके से। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे, dt बाई dx फाइंड आउट करेंगे, तो x की पावर इनका क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, और इसका 0 होगा, 1 का डिजिट का 0 होता है, क्या हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, x इसको नीचे लेके आएंगे तो पावर 3 प्लस हो जाएगी, तो dx के प्लेस पे क्या आएगा, टोटल का टोटल फाइंड आउट करना है, तो dx को हम भेजेंगे उस तरफ, ठीक, और dt लाएंगे इस 2 को नीचे, तो माइनस 2, ठीक, तो dx अपॉन x क्यूब के प्लेस पे ये वैल्यू राइट करेंगे, कितना, माइनस dt बाई 2, ये देखिए dx और नीचे x क्यूब दोनों मिल गया, इसके प्लेस पे ये वाली वैल्यू राइट करेंगे, तो क्या मिलेगा, 1 बाई 3 से 1 लिमिट है, सॉरी लिमिट भी अभी बदलेगी, 1 मिनट, ठीक, इसको पहले राइट करते हैं, इसको t सपोज किया गया पावर में 1 बाई 3, और ये पूरा मिला करके आया माइनस dt बाई 2, तो नीचे 2 करें और ऊपर dt, और माइनस कहाँ होगा, माइनस हो जाएगा आगे यहाँ पर कर लें, ठीक है, बात समझ में आ गई, dt बाई 2 माइनस के साथ राइट हो गया। अब लिमिट की बात आती है तो लिमिट चेक कर लेते हैं, पहले हायर लिमिट 1 है, जब x इक्वल्स टू 1 तो t की वैल्यू कहाँ राइट होगी, यहाँ पर 1 बाई 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0, दूसरी 1 बाई 3 पर चेक कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 बाई 3 का स्क्वायर 1 बाई 9, माइनस 1 है तो 9 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 माइनस 1 8, क्या हो जाएगा बेटा, 8, 8 आपकी वैल्यू है किस पर, x बराबर 1 बाई 3 पर, x इक्वल्स 1 बाई 3 पर t की वैल्यू है 8, तो यहाँ लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट 8 से 0, माइनस आगे चल रहा है t की पावर 1 बाई 3, राइट कर लेते हैं यहाँ पर 8 से 0, ठीक है, तो माइनस 1 बाई 2 टोटल का बाहर, 8 से 0, और क्या बचेगा, t की पावर n dt, तो क्या हो जाएगा, t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, क्योंकि 1 बाई 3 ही तो n प्लस 1 है, समझ में आई बात, dt आपका हटा, लिमिट आपकी 8 से 0 हो गई, क्या बचेगा बेटा, 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 4, तो 4 अपॉन 3 ऊपर भी, 4 अपॉन 3 नीचे भी आएगा, 8 से 0 लिमिट चल रही है, माइनस 1 बाई 2 बाहर, अब 3 जाएगा ऊपर, क्योंकि a अपॉन b अपॉन c, तो c ऊपर जाता है, तो क्या हो जाएगा, 3 बाहर निकल आएगा, और क्या करेंगे अब केवल और केवल हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t के प्लेस पे पहले 0 अपॉन 4 बचेगा, क्योंकि 3 तो बाहर आ गया, c ऊपर चला गया, माइनस लोअर लिमिट 8 है, तो 8 की पावर 4 अपॉन 3, नीचे 4, खत्म, अभी ये आंसर आने वाला है, क्या आ जाएगा यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, माइनस 3 बन जाए 3, 0 की पावर कुछ भी हो बेटा 0 ही होता है, माइनस बेटा 8 है और यहाँ पर पावर 4 बाई 3 है, तो हम सबसे पहले 8 में अंदर इस तरीके से करते हैं, क्योंकि 8 की पावर 1 बाई 3 हो गया है, ठीक है, अब 4 बाहर बचा, नीचे 4, नीचे 4 बचा, यहीं पर ध्यान से देखना, इस 8 की पावर 1 बाई 3 को यहां पर देखिएगा, इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए, कहीं पे प्लेस मिल जाए, इतने में देख लीजिए, यहां 8 की पावर 1 बाई 3 है ना, 8 की पावर 1 बाई 3 को हम राइट कर सकते हैं इस तरीके से, समझ में आया, क्यूब रूट 8, क्यूब रूट क्या होता है, जब किसी भी वेरिएबल की पावर 3 होती है तो उसको कहते हैं क्यूब, उसको कहते हैं क्यूब, क्योंकि 2 की पावर 3 को होगा 8, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं
तो होता है टू टू जो फोर, टू जो एट। लेकिन अगर इसी की पावर अपोजिट मीन्स एट की पावर वन बाई थ्री करने हैं तो क्या हो जाता है, ये क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाता है। और एट जब राइट करेंगे, इस एट को हम क्या लिखेंगे, इस एट को हम राइट करेंगे वही चीज जो भी मैंने बताया, ये टू टू जा फोर टू जा एट मीन टू इंटू टू इंटू टू, तो कितनी पावर, थ्री पावर हुई, तो थ्री पावर हो जाएगी, तो टू की पावर, तो बेटा टू की पावर थ्री होगा, और टू की पावर थ्री, और यहाँ पर ये देखिए क्यूब रूट लगा, और क्यूब रूट का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, देखिए यहाँ पर एट की पावर वन बाई थ्री था, क्यूब रूट एट का मीन्स, तो एट की पावर वन बाई थ्री मीन्स इस तरीके से होगा, टू की पावर थ्री इंटू वन बाई थ्री कर लीजिए, टू की पावर थ्री इंटू वन बाई थ्री हो जाएगा, तो थ्री से थ्री अप एंड डाउन ऊपर और नीचे कैंसिल होगा, क्या बचेगा, केवल टू बचेगा। यही टू हम राइट करेंगे इस पूरे के प्लेस पे, अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो हम इसके प्लेस पे क्या राइट करेंगे, केवल टू राइट करेंगे, तो बचेगा माइनस टू, और इसकी भी पावर फोर है तो फोर रहेगा, ठीक है, केवल थ्री को अंदर किया गया था वन बाई थ्री, क्यूब रूट एट के प्लेस पे आया सब कुछ, ठीक, अपॉन में फोर है। अब टू की पावर फोर कर दीजिए और इस माइनस को बाहर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थ्री बाई टू बाहर है, और ब्रेकेट में टू की पावर फोर, टू टू जा फोर, टू जा एट, टू जा सिक्सटीन, ठीक है, अपॉन में फोर, कैंसिल करेंगे, फोर फोर जा सिक्सटीन, तो कितना आएगा, थ्री बाई टू मल्टीप्लाई, ऊपर केवल फोर बचा है बस, क्योंकि फोर फोर जा सिक्सटीन हो गया, अब टू टू जा फोर, तो क्या बचा, थ्री मल्टीप्लाई टू, थ्री टू जा सिक्स, दिस इज योर फाइनल आंसर। बेटा कुछ भी था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, केवल समझने वाली बात है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया हो तो प्लीज मेक ए नोट इमीडिएटली एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स और इंटीग्रेशन में वैल्यू दी गई है जीरो टू एक्स टी साइन टी डी टी और एफ डैश एक्स हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, चलिए फिर देखते हैं क्या है, कैसे क्वेश्चन हुआ, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका इस एक्सरसाइज का, एफ एक्स की वैल्यू दे दी गई है जीरो टू एक्स डेफिनेट इंटीग्रल और टी साइन टी डी टी, देन फाइंड आउट करना है बेटा आपको एफ डैश एक्स आपका क्या होगा, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, तो बात समझ में आ रही है, सबसे पहले जो गिवन है हमें क्या कर लेंगे, उसका हम इंटीग्रेट कर दें किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है, तो एक चीज ध्यान देना है भाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या हो जाएगा बताइए, एफ ऑफ एक्स है जीरो टू एक्स, किसको, एलजेब्रिक फंक्शन आई लेट वाला रूट, क्या था, आई एल ए टी ई, तो क्या करते थे, आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर एलजेब्रिक, ठीक है, जिसकी हमें जरूरत है एलजेब्रिक और टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, तो सबसे पहले कौन है, एलजेब्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक, बेटा एलजेब्रिक है, तो एलजेब्रिक आपका टी है, तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन जो पहले आता है उसको फर्स्ट फंक्शन सपोज करते हैं, जो बाद में आता है उसको हम सेकंड फंक्शन, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये सेकंड हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकंड, क्या होता है इसका इंटीग्रल, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन साइन टी डी टी माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट का, फर्स्ट मीन्स टी का, तो टी का क्या हो जाएगा यहाँ पर, और किसके रिस्पेक्ट में, डी टी है ना, तो टी के रिस्पेक्ट में, ठीक, इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन टी डी टी सेकंड का इंटीग्रेशन, यही तो फॉर्मूला था आपका, ब्रेकेट क्लोज कर लेंगे बेटा, और लिमिट क्या चल रही है, जीरो से एक्स, ऐसे चलती रहेगी अभी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, देखिए बाहर टी है और अंदर साइन टी डी टी का क्या होता है, माइनस कॉस टी, ये हो गया माइनस कॉस टी, क्लियर, और अब क्या बचा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी टी टी का, वन होगा आप जानते हैं, वन इंटू साइन टी डी टी का माइनस कॉस टी, माइनस कॉस टी राइट करेंगे, और आपकी लिमिट चल ही रही है जीरो से एक्स, क्लियर है, देन एफ ऑफ एक्स आपका क्या होगा, चलिए ध्यान से देखते हैं, अब केवल मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बाहर है तो ये हो जाएगा टी कॉस टी, टोटल का मिला करके मैंने बताया था मल्टीप्लाई कर लेते हैं तब लिमिट रखते हैं, ठीक है, और इसमें क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ ये माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं, अब क्या बचा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया है और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी साइन टी होता है, बात समझ में आ गई होगी, और जीरो से एक्स लिमिट चल ही रही है बस, अब आपका नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा आंसर, कौन सा आंसर, पहले हायर लिमिट फिर लोअर लिमिट, ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या राइट करेंगे, हायर लिमिट पहले क्या आएगा, एक्स, तो माइनस एक्स कॉस एक्स मीन्स टी के प्लेस पे पहले एक्स और एक्स राइट करते चलेंगे, फिर इस माइनस को बाहर कर लेते हैं थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है, फिर माइनस लोअर लिमिट मीन्स जीरो, तो जीरो मल्टीप्लाई कॉस जीरो मीन्स दोनों टी हैं तो दोनों के प्लेस पे लोअर लिमिट जीरो जीरो, अब फिर प्लस लगाते हैं, इसको हम करते हैं बंद, ठीक है, प्लस साइन टी, ये टी के प्लेस पे पहले हायर लिमिट,
मीन्स साइन एक्स माइनस लोअर लिमिट फिर जीरो हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। बस आपका बेटा आंसर हो जाएगा क्या, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स कॉस एक्स, जीरो से किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई जीरो होता है, इसको हम राइट नहीं करेंगे ठीक, क्योंकि ये जीरो मल्टीप्लाई कुछ भी हो जीरो ही होगा ठीक। अब हम इसको राइट करते हैं प्लस, यहाँ पर साइन एक्स बचा है, साइन एक्स राइट करेंगे और इसको नहीं राइट करेंगे क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो ठीक है। देन बेटा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अगर आपका आ चुका है तो आप एफ डैश एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरीके से, आपको पता है कि जो एफ एक्स होता है वो आपका एक सिंपल फंक्शन होता है, एक सिंपल फंक्शन होता है, और जो एफ डैश एक्स होता है वो एफ एक्स का डिफरेंशियल होता है। मीन्स कि एफ एक्स गिवन हो तो एफ एक्स की जो वैल्यू दी गई हो उसका डी वाई डी एक्स कर लें, उसका डिफरेंशियल फाइंड आउट कर लें तो हमें एफ डैश एक्स मिलता है ठीक है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं ठीक है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो जो एफ एक्स है वो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। डी वाई डी एक्स एफ एक्स को ना राइट करते हुए डायरेक्ट एफ डैश एक्स राइट करेंगे ठीक है। और यहाँ पर डी वाई डी एक्स ये क्या हो गया, फर्स्ट इंटू सेकेंड का ठीक है। तो एक्स इंटू कॉस एक्स है आपका, तो माइनस एक्स को हम फर्स्ट फंक्शन सपोज करेंगे उसको सिफर, और बारी बारी से दोनों में करेंगे डी वाई डी एक्स, इसका भी होगा किसका, साइन एक्स का। तो आगे चलते हैं क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर देख लेते हैं, इतने से प्लेस में हो जाएगा हमारा ठीक है। तो एफ डैश एक्स हमारा क्या मिलेगा, ध्यान से देखेंगे बेटा, डी बाई डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहले क्या होगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल, कॉस एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन एक्स ठीक, प्लस फिर सेकेंड, सेकेंड मीन्स कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स फर्स्ट का डिफरेंशियल, माइनस एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस वन ही तो होगा क्योंकि एक्स का वन होगा, आगे माइनस लगा ही है, प्लस डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स, क्लियर है, कॉस एक्स भी हो गया। आपका आंसर आ गया बेटा क्या, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, एक्स साइन एक्स प्लस माइनस माइनस कॉस एक्स, और प्लस कॉस एक्स है, प्लस कॉस एक्स से माइनस कॉस एक्स कैंसिल, सो यू हैव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स, दिस इज द फाइनली आंसर। बेटा ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई है, अगर आपको ये क्वेश्चन बड़े ही स्मूथली तरीके से समझ में आ गया हो ठीक है बेटा, प्लीज मेक ए नोट इमीडिएटली, एंड आई वांट टू टेल यू सम टॉपिक ऑफ दिस एक्सरसाइज, लाइक 7.10 के पहले की जो भी एक्सरसाइजेज हैं, 7.9, 7.3 से लेकर के 7.4, 5, 6, 7, 8 तक, 8 को छोड़ करके, बिकॉज ये 2020 के सिलेबस में रिड्यूस हो चुका है पूरा का पूरा, सो ठीक है इसी को छोड़ के बाकी जितने भी एक्सरसाइज हैं उसकी थ्योरम, उनके फॉर्मूले सारे प्रिपेयर करना। देखिए बेटा आई लेट वाला रूल मैंने कब बताया था, 7.6 के आगे आपका ठीक है, आई लेट वाला रूल 7.10 मीन 7.10 एक्सरसाइज में भी अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि 7.9 के आगे जो भी एक्सरसाइजेज आएंगी वो एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन जो होंगे वो आपके रिलेट करेंगे पिछली एक्सरसाइज पे, समझ में आई बात, मीन 7.10 के आगे जो आपका 7.11 होगा, 7.11 उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 7.10 और 7.9 दोनों के क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए, अदरवाइज आप वीडियो को मत देखिएगा, मेरी ये एडवाइस, मेरे वीडियो को बिल्कुल मत देखिएगा ठीक है, ये मेरी रिक्वेस्ट भी है, वरना आपको समझ में नहीं आने वाला है ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड लक एंड प्रिपेयर फॉर द प्रीवियस एक्सरसाइज, गेट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड प्रिपेयर ऑल ऑफ योर प्रीवियस एक्सरसाइजेस, सो बेस्ट ऑफ लक एंड गुड लक फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ 7.11 ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए।